गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए सेकंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में व्यापारिक बैंक की साख सृजन की प्रक्रिया के बारे में आज चर्चा की जाएगी। उससे पहले आपकी 33 क्लास में या 33 क्लास जो मैंने अपलोड की है उसमें कुछ टॉपिक या कुछ पॉइंट्स में आवाज नहीं आ रही, वो वाली समस्या हो गई थी, उसको आज वापस देख लेते हैं। उसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक के कार्य किए जा रहे थे और उसमें व्यापारिक बैंक जो ग्राहकों के लिए उधार देने की व्यवस्था में काम करता है उसके अंतर्गत नगद साख वाला पॉइंट हो चुका था, उसमें आपको साफ आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन ओवरड्राफ्ट है, ऋण अग्रिम राशियां हैं और बिलों की खरीद व पुनर्कटौती, इसके बारे में थोड़ी सी समस्या आ गई थी, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो जो मैंने व्यापारिक बैंक के कार्यों की आपको सारणी बनाई उसमें ऋण देना के अंतर्गत नगद साख था, ओवरड्राफ्ट था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओवरड्राफ्ट व्यापारिक बैंक के कार्यों के अंतर्गत ओवर ड्राफ्ट, कई बार एग्जाम में छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओवरड्राफ्ट के बारे में बताइए या ओवरड्राफ्ट क्या है। तो ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा है वो व्यापारी बैंकों के द्वारा उधार देने की व्यवस्था के अंतर्गत आता है और ये व्यापारिक बैंक का जो कार्य उधार देना है ये व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य माना जाता है, जिसमें ये सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे होता है जमाएं स्वीकार करना। क्योंकि बैंकों के द्वारा जो उधार दिया जाएगा वो उधार किस आधार पे दिया जाता है, जमाओं के आधार पर तो दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत क्या होता है, व्यापारिक बैंक जो है ग्राहक के खाते में जितना पैसा जमा है उससे ज्यादा उधार देना ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत आता है। ये सुविधा जो है हर किसी ग्राहक को नहीं दी जाती है व्यापारिक बैंकों के मार्फत, ये सुविधा दी जाती है प्रतिष्ठित ग्राहकों को। किसको दी जाएगी, प्रतिष्ठित ग्राहकों को। यह सुविधा बैंकों के द्वारा प्रदान की जाती है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जितना बैंक में पैसा जमा है उससे ज्यादा पैसा बैंक इन प्रतिष्ठित जाने पहचाने विश्वास पात्र ग्राहकों को उधार दे सकता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि विश्वास पात्र ग्राहक है, बैंक का उस पर विश्वास है, बैंक को ये लगता है कि अगर इसको एक्स्ट्रा पैसा दे भी दिया जाएगा जमा के आधार के जैसे ज्यादा तो वो पैसा आराम से चुका सकता है। इसमें आप एक राम नाम का व्यक्ति समझ लीजिए, उसके अकाउंट में 10,000 रुपए है, कितने हैं 10,000 रुपए बैंक में जमा है और इस ग्राहक को जो कि बैंक का प्रतिष्ठित ग्राहक है उसको 15,000 रुपए की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है, 15,000 की आवश्यकता है, तो बैंक इस ग्राहक को ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दे देगा। क्यों, क्योंकि बैंक को पता है कि ये ग्राहक कहीं पर करके नहीं जाएगा, पैसा चुका देगा। अब बैंक के द्वारा ये जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, क्योंकि 10,000 रुपए तो पहले ऑलरेडी जमा थे बैंक के पास और 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, इस 5,000 पर ही ब्याज की दर ली जाएगी, ब्याज लगाया जाएगा, 5,000 पर ही ब्याज लगाया जाएगा। और यह जो ब्याज होगा, ये ब्याज की दर कैसी होगी, ऊंची होगी,
थोड़ी सी अधिक होती है। इस प्रकार ओवरड्राफ्ट सुविधा में ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत जितना पैसा बैंक में जमा होता है उससे ज्यादा उधार देने की व्यवस्था बैंकों के द्वारा की जाती है और वो उधार देने की व्यवस्था प्रतिष्ठित ग्राहक, नामी ग्राहक, विश्वास पात्र ग्राहक को ही प्रदान की जाती है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद ऋण एवं अग्रिम राशियों की बात थी। कर्ज की सुविधा प्रदान विक्रेता को बैंक के द्वारा हो जाती है,
क्रेता को बैंक के द्वारा हो जाती है और विक्रेता को उस वस्तु के बदले में पैसा प्राप्त हो जाता है। तो माल का विक्रेता उधार माल बेचकर खरीदार पर बिल बनाता है। इसके अंतर्गत आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा बता देती हूँ। राम जो कि विक्रेता है, राम क्या है, विक्रेता है, उसने माल बेचा किसको, श्याम को, और श्याम क्या है, क्रेता है। राम विक्रेता है, श्याम क्रेता है, और श्याम ने माल खरीदा, मान लो 3 लाख रुपए का, कितने का खरीदा, 3 लाख रुपए का। श्याम के पास अभी पैसा नहीं है लेकिन उसे माल की आवश्यकता है, तो राम श्याम पर एक बिल बनाएगा, यानी कि उसे उस वस्तु का जितना आइटम खरीदा है उसका उसे पेमेंट करने के लिए बनाएगा। श्याम उस बिल को जो है राम को स्वीकार करके दे देता है। अब राम क्या करता है, राम जो है बैंक के पास जाएगा, बैंक में जाएगा और उस बिल को बैंक को दे देगा, बैंक में जाएगा और बिल श्याम से स्वीकार करके, बिल श्याम से स्वीकार करके बैंक को दे देगा। बैंक क्या करेगा, बैंक उस बिल को ले लेगा और उसमें से कुछ बट्टा काटकर, कुछ कमीशन काटकर पैसा जो है राम को दे देता है। और शाम अब क्या करेगा, अगर उसने मान लो 10 माह की अवधि दी है, 5 माह की अवधि दी है, तो जो अवधि दी है उस 5 माह के बाद जितने अवधि उसको चाहिए उस अवधि के बाद बैंक को पैसा चुका देगा, अवधि परिपक्व होने के बाद, अवधि परिपक्व होने के बाद। अब इसमें आप देखिए, बैंक ने पैसा राम को दे दिया, विक्रेता को दे दिया, शाम को माल बिक गया, माल प्राप्त हो गया उधार में, और शाम जो है जैसे ही उसके पास पैसा आएगा 5 महीने में, 6 महीने में, जितने अवधि के लिए उसे पैसा चाहिए उस अवधि के बाद जो है बैंक को वो धीरे धीरे करके पैसा दे देगा। बैंक को क्या प्राप्त हुआ है, बैंक को कमीशन प्लस ब्याज, या कुछ भी समझ लीजिए, कमीशन या ब्याज के रूप में क्या प्राप्त हुई है, आय प्राप्त हुई है। राम को क्या प्राप्त हुआ है, राम जो कि विक्रेता है, अगर उसे समय पर पैसा नहीं मिलेगा तो वस्तु उत्पादित कैसे कर पाएगा, इसलिए उसको पूंजी समय पर प्राप्त होकर वो अपने व्यवसाय को कंटिन्यू चला सकता है। जो शाम है, जो विक्रेता है, उसको उधार पर माल मिल गया है, जैसे ही वो धीरे धीरे अपने माल को बेचेगा या किसी भी प्रकार से जो यूज करेगा, उसके बाद जैसे ही अवधि परिपक्व हो जाएगी उस अवधि के बाद शाम जो है उस पैसे को धीरे धीरे बैंक को चुका देगा। इस प्रकार बिल व बिल की खरीद व कटौती करके बैंक को, राम को और शाम को, इन सभी को जो है बैंक के माध्यम से राम को और शाम को ये सीधा प्राप्त हो जाती है, और इस प्रकार बैंक जो है बिलों की खरीद व कटौती करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। इसलिए बिलों की खरीद व कटौती को बैंक द्वारा दी जाने वाली उधार की सुविधा के अंतर्गत ही लिया जाएगा, जो कि आपका व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। आजकल जो बैंक है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर भी उधार देने लगे हैं, जैसे फ्रिज है, टीवी है, एसी है, फर्नीचर है, कार लोन है, ये सारे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं होती है, इनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, या ग्राहक जो है एक साथ इतना समय, इतना सारा पैसा एक साथ नहीं देना चाहता है, तो वो बैंक से उपभोक्ता टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के मार्फत भी उधार लेकर वस्तुएं समय पर प्राप्त करके धीरे धीरे उस पैसे को आराम से चुका सकता है। इस प्रकार बैंकों के द्वारा
बढ़ाने के लिए, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए बैंकों के द्वारा ज्यादा मात्रा में उधार दिया जाने लगा है। ये आपके उधार देने के अंतर्गत कार्य थे, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट आज बात कर रहे थे व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण अथवा जमा निर्माण की। व्यापारिक बैंकों में जो पैसा जमा होता है उसके आधार पर साख सृजन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। नेक्स्ट चैलेंज आ गई व्यापारिक बैंक के द्वारा साख निर्माण अथवा जमा निर्माण। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्यापारिक बैंक के द्वारा साख निर्माण, साख निर्माण अथवा जमा निर्माण की, ये जो व्यापारिक बैंक इतनी मात्रा में साख सृजन करते हैं, पैसा उधार देते हैं, तो वो किस प्रकार से ये साख निर्माण की प्रक्रिया है इसके बारे में चर्चा की जाएगी। व्यापारिक बैंक साख सृजन करके आर्थिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हो, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट देखते हो, बड़े बड़े जो है कंपनियां देख रहे हो, या इसके अलावा और भी जो बड़े बड़े प्लांट वगैरह बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जो खरीदी जाती है, ये सब का आधार क्या है? साख है, उधार की प्रक्रिया है। तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा देश के आर्थिक विकास में साख सृजन या साख निर्माण यह जमा निर्माण बात एक ही है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बैंक में 100 रुपये जमा कराता है, क्योंकि परिवार के द्वारा छोटी छोटी बचतें बैंकों में जमा कराई जाती है, तो बैंक रिजर्व अनुपात के 20% होने पर, रिजर्व अनुपात कितना है? 20% 20% और व्यक्ति बैंक में जमा कितना करा रहा है? 100 रुपये। अगर हम छोटी बचत भी मानते हैं कि एक व्यक्ति बैंक में 100 रुपये जमा कराता है और रिजर्व अनुपात आपका 20% है, तो उसके आधार पे 100/1×5 बराबर कितना साख सृजन होगा? 500 रुपये का साख सृजन होता है। अब आप ये कहोगे कि 1/5 कहाँ से आया? 1/5 20% / 100, यहाँ पर आपका रिजर्व अनुपात कितना था? 20% था, प्रतिशत को हटाया, प्रतिशत को हटा दिया तो 100 आ गया। 20 × 20, 20 × 100, ये कितना हो गया? 1/5। अब अपन ऊपर 100 लिखेंगे क्योंकि बैंक में पैसा कितना जमा है? 100 रुपये तो जमा कराया है व्यक्ति ने। ये 100 जो है प्रतिशत के रूप में, ये प्रतिशत था, यहाँ पर प्रतिशत का निशान था, इसको हटाया प्रतिशत को, तब ये 100 आ गया। तो इसका रेशो निकाला है, जब इसको अपन इसे डिवाइड किया है तो ये आपका 1/5 आएगा। तो 100 × 1 और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 100 रुपये की जमा पर जो साख सृजन हो रहा है वो कितने रुपये हो रहा है? 500 रुपये साख सृजन होता है। तो 500 रुपये तक की जमा का निर्माण कर सकता है बैंक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। साख सृजन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में, या साख सृजन या जमा सृजन की जो प्रक्रिया है, प्रोफेसर सैमुअलसन और प्रोफेसर नोडाउस ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इन प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने व्यापारिक बैंकों के द्वारा किए जाने वाले साख सृजन में 2 मान्यताएं बताई है, जो कि अब करेंगे। साख सृजन में 2 मान्यताएं बताई है प्रोफेसर सैमुअलसन नोडाउस ने। प्रोफेसर सैमुअलसन नोडाउस ने
जितनी साख सजन की या साख निर्माण की दो मान्यताएं बताइए। अभी दो मान्यताएं क्या है इसके बारे में देखेंगे। एक तो मुद्रा बैंक से बाहर एक हाथ से दूसरे हाथ में ना रिसक जाए, मुद्रा बैंक से बाहर एक हाथ से दूसरे हाथ में न रिसक जाए। एक तो ये मान्यता बताएगा कि मुद्रा जो है जैसे ही बैंक से बाहर गई व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है, जैसे ही व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुएं सेवाएं खरीदेगा पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाएगा और दूसरा व्यक्ति जिसके पास पैसा आएगा वो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदेगा तो वो तीसरे हाथ में और फिर चौथे हाथ में। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगर मुद्रा बैंक से जैसे बाहर गई एक हाथ से दूसरे हाथ में गई तो साख सृजन पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में देखेंगे। और दूसरा है बैंक अपने पास अतिरिक्त रिजर्व ना रखे, बैंक अपने पास अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा पैसा है रिजर्व ना रखे। जितना प्रतिशत का रेशियो रखा गया है उतना ही प्रतिशत बैंक को अपने पास रखना चाहिए। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो उस एक्स्ट्रा पैसे का क्या कर देना चाहिए, साख सृजन कर देना चाहिए या साख निर्माण किया जाना चाहिए। तो बैंक से बाहर एक हाथ से दूसरे हाथ में न रिसक जाए इसके बारे में देखेंगे। इसमें क्या होता है कि व्यापारिक बैंक जो है साख सृजन की प्रक्रिया में ये मान लिया जाता है कि जो मुद्रा राशि है वो बैंकिंग प्रणाली से बाहर ना जाए। कहने का मतलब जब व्यक्ति के द्वारा पैसा उधार लिया जा रहा है तो वो पैसा उसके अकाउंट में ही रहना चाहिए, वो पैसा वो कैश में ना लेके जाए। इसको मैं बता देती हूँ आपको एक उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जिसके पास 100 रुपये का चेक आया है, उसके पास 100 रुपये का चेक आया है। अब वो चेक कहाँ लेके जाएगा, ये व्यक्ति जिसके पास 100 रुपये का चेक है वो चेक कहाँ लेके जाएगा, बैंक में लेके जाएगा, बैंक में। अब बैंक क्या करेगा, उस 100 रुपये के चेक को व्यक्ति के अकाउंट में लगाएगा और वो पैसा व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 100 का 100 कहाँ चला गया, ए व्यक्ति के अकाउंट में चला गया। अब इसमें से व्यक्ति जो है 10 रुपये कैश रूप में ले जा सकता है या कैश रूप में निकाल कर अपना काम कर लेगा और बाकी बचे कितने 90। और 90 रुपये के आधार पर मैंने आपको बता दिया रिजर्व अनुपात का रेशो कितना है, 20% है। तो 90 को अपन 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 रुपये का साख सृजन या जमा निर्माण किया जा सकता है। तो अभी आप देखो जब व्यक्ति सारा का सारा पैसा जो कि चेक के द्वारा आया है उसे वो कैश रूप में ना ले जाए, उसको जितने पैसों की आवश्यकता उतना ले जाकर बाकी पैसों को अगर वो अपने अकाउंट में रखता है तो उस आधार पर 20% रेशो होने पर वो 450 रुपये यानी कि 10 रुपये कम होने पर भी 50 रुपये साख सृजन कम हो जाता है। इस प्रकार जनता के पास जो है पैसा कैश रूप में न रखकर व्यक्ति के अकाउंट में बैंक में पड़ा रहे तो साख सृजन ज्यादा मात्रा में होता है। और व्यक्ति अगर ज्यादा रूप में पैसा नगद रूप में अपने पास रखता है, बैंकों के अकाउंट में पैसा कम रहता है तो साख सृजन की प्रक्रिया उतनी ही कम होगी। सबसे ज्यादा साख का निर्माण उस दशा में माना जाएगा जब जनता मुद्रा को अपने पास नगद रूप में न रखे, अर्थात सारी की सारी करेंसी बैंकों में ही जमा हो जाए, तब साख सृजन की प्रक्रिया ज्यादा मात्रा में होती है।
ज्यादा मात्रा में होती है। सेकंड आपका था बैंक अपने पास अतिरिक्त रिजर्व ना रखे, उसके अंतर्गत सेकंड वाले का यहाँ कर लेते हैं कि बैंकों का रिजर्व अनुपात जो कि 20% माना गया है, उस 20% को नगद के रूप में रखकर बाकी जो पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है उसको बैंक को क्या कर देना चाहिए, उधार दे देना चाहिए, साक्षजन कर देना चाहिए, ताकि अधिकतम साक्षजन हो सके। यदि बैंक 20% से अधिक मान लो 40% पैसा जो है अपने पास ज्यादा मात्रा में रखता है कि 20% रेशो है लेकिन बैंक जो है 40% पैसा रखता है, तो साक्षजन आपका ना होगा, ढाई गुना नहीं हो पाएगा। वैसे ही निकालेंगे अपन 40/100 को प्रतिशत प्रतिशत रख के 100 हो जाएगा, इसको आपने काटा तो ये हो गया 2.5, यानी कि 2.5 ढाई गुना हो जाता है। और अगर 10% रखा जाता है रिजर्व अनुपात, मान लो 10% रखा जाता है 10/100 1/10, तो साक्षजन आपका कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। अगर 40% बैंक अपने पास पैसा रखता है तो साक्षजन ढाई गुना, और यदि 10% बैंक रखता है तो 10 गुना साक्षजन होगा। इस प्रकार जितना पैसा बैंक रिजर्व के रूप में अपने पास नहीं रखेगा उतना ही साक्षजन बढ़ जाता है, और जितना बैंक अपने पास यानी कि जितना फिक्स है उसके बाद भी एक्स्ट्रा पैसा अपने पास होता है तो साक्षजन कम होता है। ये आपकी प्रोफेसर सैमुअलसन व नोर्डहाउस ने साक्षजन की दो मान्यताएं बताई हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको दोनों ही बता दी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साक्षजन की प्रक्रिया का एक विस्तृत है सामान्य रूप कि साक्षजन की प्रक्रिया में कौन कौन सी इक्वेशंस आती है या कौन उसका जो जनरल रूप है उसके बारे में देखेंगे। इसको मैं साफ कर देती हूँ या इसको जो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो जैसा भी ठीक समझो। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि बैंक का रेशो अगर 20% है और बैंक अपने पास 40% पैसा रख रहा है तो साक्षजन ढाई गुना, यहां साक्षजन कर देती हूं, साक्षजन होगा। और यदि 10% ही रिजर्व अनुपात रखा जाता है तो 10 गुना साक्षजन होगा। साक्षजन की प्रक्रिया का एक विस्तृत व सामान्य रूप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही।